Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is Shreyas Badiye and this is the new video lecture from Indian Polity series under which we are studying the topic that is Parliament. So I have already discussed with you the first part of this topic. Now we'll move towards the second part. So most important thing, subscribe to my YouTube channel and then press the bell icon. You'll get the notification of my new videos. For more updates, follow and like my pages on Facebook, that is Shreyas Badiye and Shreyas Badiye Interpretation. You can also contact me on Instagram. So hum abhi dekhte hain, sabse pehle hume parliament part 2 jo hai isme kaun kaun se topic cover karna hai. To sabse pehle main aapko bata dun ki parliament का जो पार्ट वन था उसमें हम इसके पहले के टॉपिक्स कवर कर चुके हैं. अब हम पार्ट टू में ये आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे. जिन्होंने मेरा पार्ट वन नहीं देखा था वो इसे एक बार देख ले, ओके, ताकि आपको क्लियरिटी समझने में आसानी जाए. ओके, सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट. ये टॉपिक हमें डिस्कस करना है जिसके अंडर हम क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं मेंबर्स के, डिसक्वालिफिकेशन क्या होंगे, किस ग्राउंड्स पे वो डिसक्वालीफाई किए जाते हैं, सीट कब वैकेंट होती है, वैकेंट कब होगी सीट, ये भी हमें देखना है. उसके साथ साथ ओथ एंड अफर्मेशन क्या होता है और सैलरीज एंड अलाउंसेस कैसी होती है इन लोगों की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं. तो हम यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट ये स्टडी करने वाले हैं. सो हम फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज क्वालिफिकेशन, वहाँ से शुरुआत करते हैं. ओके, सो अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते हो, एमपी बनना चाहते हो, तो आप जब इलेक्शन कंटेस्ट करोगे तो उसमें आपको क्या क्या क्वालिफिकेशंस जरूरी है देख लेते हैं. तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है, देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दो हाउसेस में से किसी भी हाउस के हो सकते हैं, राज्यसभा के भी हो सकते हैं या फिर लोकसभा के भी हो सकते हैं, ये तो आप जानते ही है. तो हम देखते हैं क्वालिफिकेशन. तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन ये है कि ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इस देश के नागरिक होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए. उसके साथ साथ सेकेंड ये है कि आपने ये ओथ एंड अफर्मेशन जो दी जाती है, हम आगे देखेंगे किस तरह की होती है, तो ये लेने के लिए यानी ये लेना चाहिए आपने, ये होगा दूसरा. और थर्ड ये होगा कि आप 30 इयर्स और 25 इयर्स ऐसी दो एज ग्रुप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप 30 प्लस होने चाहिए या 25 प्लस होने चाहिए. 30 प्लस अगर आप राज्यसभा से कंडक्ट कर रहे हैं सीट ले रहे हैं तो, या फिर आप लोकसभा से ले रहे हैं तो 20 इयर्स, तो ओके 30 इयर्स इन एज इन केस ऑफ राज्यसभा और 25 इयर्स इन केस ऑफ लोकसभा. तो इतनी आपकी कम से कम उम्र होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी चाहिए ठीक है, या फिर इतनी होनी चाहिए. उसके साथ साथ और भी क्वालिफिकेशंस जो पार्लियामेंट बताएगा, टाइम टू टाइम डिसाइड करता है पार्लियामेंट, तो वो क्वालिफिकेशंस आपको फिर से अप्लाई होंगे, एप्लीकेबल होंगे आप पे. तो पार्लियामेंट जो बताएगा वो, उसके साथ साथ ये एज का क्राइटेरिया था, ओथ एंड अफर्मेशन आप शपथ लेते हैं, उसके साथ साथ आप यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए. दीज आर द क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ओके, सो याद रखिएगा राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर बनने के लिए एक ये डिफरेंस है कि एज का, 30 इयर्स और 25 इयर्स ऑफ एज का. सो देखिए ये जो हमने क्वालिफिकेशन देखे थे पहले, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए क्वालिफिकेशंस थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं. बट अभी जो हम देखने वाले हैं वो हमने एक्स्ट्रा के ऐड किए हुए हैं पार्लियामेंट ने. यहाँ पे लिखा था आखिरी पॉइंट में कि पार्लियामेंट जिस तरह से और क्वालिफिकेशन बताएगा उस तरह से, तो कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे बताए गए हैं. एक एक्ट पास हुआ था, उस एक्ट का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951. ये एक्ट में ये दिया हुआ था अगर आपको मेंबर बनना है तो आपके लिए और एडिशनल कुछ क्वालिफिकेशन है इनके अलावा, इन क्वालिफिकेशंस के अलावा, तो वो कौन से है देख लेते हैं कि आप रजिस्टर्ड इलेक्टर होने चाहिए. यानी देखिए रजिस्टर्ड इलेक्टर यानी आप इलेक्शन में ये इलेक्शन में जो ये करते हैं वोट करते हैं वो करने के लिए आप इलेक्टर होने चाहिए रजिस्टर्ड ठीक है. तो ये सिंपल सी बात है, जैसे आप वोट डालने जाते हो तो आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, तो ये हुआ होना होना चाहिए आपका, तो आप रजिस्टर्ड इलेक्टर कहलाओगे. ये पहला पॉइंट है. सेकेंड पॉइंट ये है कि आप अगर रिजर्व्ड सीट्स के लिए, जो रिजर्व्ड सीट्स है उनके लिए अगर कंटेस्ट कर रहे हो, रिजर्व्ड सीट्स जो रहेगी एससी या फिर एसटीज के लिए, एससी और एसटी की जो रिजर्व सीट रहेगी उसके लिए अगर आप यहाँ पे कंटेस्ट कर रहे हो इलेक्शन, तो आप लोग किसी भी स्टेट के लिए या यूनियन टेरिटरी के लिए, तो आप लोग मेंबर होने चाहिए एससी या एसटी
ठीक है, इनके आप मेंबर होने चाहिए, ठीक है, यानी आप एससी या फिर एसटी इनमें से होने चाहिए, तभी आप ये रिजर्व सीट के लिए कंटेस्ट कर सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो एससी और एसटी के जो कैंडिडेट्स है वो बाकी सीट्स के लिए नहीं कर सकते जो उनके लिए रिजर्व नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो देखिए जो अनरिजर्व सीट्स है उसके लिए भी वो कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन, उसके साथ साथ रिजर्व के लिए भी कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है, अगर आपको रिजर्व सीट्स के लिए करना है तो आप एससी या एसटी कम्युनिटी में से होने चाहिए। सो देखिए, अब आपको क्वालिफिकेशन समझ चुके हैं, ये कुछ क्वालिफिकेशन थे जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए थे, ये एडिशनल क्वालिफिकेशन है जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 में दिए। तो इस तरह से हम क्वालिफिकेशन क्या लगते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती है, यानी आप कौन कौन से ग्राउंड पर डिस्क्वालिफाई हो सकते हो। तो देखिए, डिस्क्वालिफाई कब हो सकते हैं आप एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये आपको याद रखना है जो कि दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, और कुछ एडिशनल पॉइंट्स हमने पीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से भी ऐड किए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन क्या दिए हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, सबसे पहले अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है वो अगर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर होल्ड करता है अंडर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर होल्ड करता है, यानी किसी भी ऑफिस में वो है, कोई एम्प्लॉय है या जो भी है अंडर यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो ये चीज आपको याद रखनी है, तो तब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं तो। उसके साथ साथ यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, देखिए मिनिस्टर, अगर वो मिनिस्टर का ऑफिस होल्ड कर रहा है देन इट्स ओके, यस, ये छोड़ के, या फिर कोई भी ऐसा ऑफिस है जो पार्लियामेंट में बोलेगा चलेगा, अगर वो ये ऑफिस होल्ड कर रहे हैं तो चलेंगे। समझ जाइए ए नाम का कोई ऑफिस है, ए नाम की कोई कंपनी है जिसमें एक पर्सन है सी नाम का, ये एम्प्लॉय है, और ये ए नाम का जो ऑफिस है ये आता है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, तो ये जो मेंबर रहेगा ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा। बट अगर ये ए ऑफिस को पार्लियामेंट ने बोला कि चलेगा तो फिर ये चलेगा। अगर ए ऑफिस जो है ये मिनिस्टर वाला ऑफिस है, वो कहीं का मिनिस्टर है वो ऑफिस है, तो भी चलेगा। तो ये आपको याद रखना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए पहला जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बाद हम सेकंड डिस्क्वालिफिकेशन देखते हैं। सो सेकंड जो डिस्क्वालिफिकेशन वो ये है कि अनसाउंड माइंड, ओके, अनसाउंड माइंड ये डिक्लेयर करना चाहिए कोर्ट ने, या फिर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, यानी वो बैंकरप्ट हो चुका है, वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुका है, जस्ट लाइक विजय माल्या, ये सब अगर आप समझ जाइए तो। और उसके साथ साथ वो सिटीजन नहीं है इंडिया के। देखिए, क्वालिफिकेशन के लिए सबसे पहला क्वालिफिकेशन यही था कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, आप सिटीजन ऑफ इंडिया है नहीं, या फिर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो पर आपने कहीं और फॉरेन स्टेट की वॉलंटियरली खुद के मन मर्जी से कहीं की सिटीजनशिप एक्वायर करके रखी है, तो फिर यानी आप इंडिया के भी सिटीजन हो और आपने कोई और कंट्री की भी, समझ जाइए चाइना की भी आपने मेंबर ये लेके रखी हुई है क्या कहते हैं सिटीजनशिप, तो आप डिस्क्वालिफाई कर दिए जाएंगे फ्रॉम बिकमिंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसके साथ साथ अगर ये दिखता है, जो नेक्स्ट है वो दिया हुआ है कि इट्स अंडर एनी एक्नॉलेजमेंट ऑफ एलिजेंस टू द फॉरेन स्टेट, यानी कोई भी फॉरेन स्टेट है, समझ जाइए यूएस, यहाँ पे वो एलिजेंस का एक्नॉलेजमेंट के अंडर है, यानी वो इसके इनके साथ हमेशा लॉयल रहेंगे इस तरह का, या फिर आप समझ सकते हैं कि कोई बॉन्ड बना हुआ है यूएस के साथ, तो ये सब नहीं होना चाहिए आपका। उसके बाद जो नेक्स्ट लिखा है कि कोई भी अगर पार्लियामेंट ने नया लॉ बनाया और उसमें कुछ और डिस्क्वालिफिकेशन के वहाँ पे कुछ डाल दिए कुछ पॉइंट्स, तो अगर आप उस पॉइंट्स के अंडर आ रहे हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, यानी पार्लियामेंट भी लॉ बना के आपको डिस्क्वालीफाई करा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं डिस्क्वालिफिकेशन की जो आपको याद रखना है, दो, पहला है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और दूसरा है यहाँ पे अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड यानी देखिए, अनसाउंड माइंड का आपको बता देता हूँ, सबसे पहले अनसाउंड माइंड यानी वो थोड़े से उनके दिमागी हालत ठीक नहीं है, और दिमागी हालत ठीक नहीं है ये डिक्लेयर नहीं हम नहीं करेंगे, ये डिक्लेयर करेंगे कोर्ट, यानी हम तो आते जाते रास्ते पर किसी को भी कह देते हैं कि ये इंसान की दिमागी हालत ठीक नहीं है, थोड़े से पागल है, बट ये डिसाइड करते हैं कोर्ट। जब कोर्ट ये डिसाइड करेंगे, कोर्ट ये डिक्लेयर करेंगे कि वो अनसाउंड माइंड के है, तभी वो डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए।
अब कुछ एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन हमने यहाँ पे ऐड करा दिए थे बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो था इसमें कुछ और डिस्क्वालिफिकेशन दिए, वो क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहला ये, जो मेंबर है ये किसी भी ऐसी चीजें जैसे कि इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस हो गए, करप्शन हो गया, ये सब चीजों में वो गिल्टी नहीं होने चाहिए। अगर वो गिल्टी है, इलेक्शन को लेके उन्होंने कुछ गड़बड़ी की हुई है, कुछ ऑफेंस कमिट किया है, करप्शन किया हुआ है, तो वो मेंबर एज अ मेंबर डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद देखिए ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आपको ये पता चलता है कि यहाँ जो इम्प्रिजनमेंट है, यानी देखिए उनको सजा हुई है किसी कोर्ट से इम्प्रिजनमेंट की, और वो दो या दो से ज्यादा साल की है, तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। यानी वो इनको ऐसी सजा नहीं मिली हुई होना चाहिए, कैद दो या दो साल से ज्यादा की कैद उन्हें ना मिली हुई हो, तभी वो यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं, अदरवाइज वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। और आपको याद रखना है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये चीज अप्लाई नहीं होगी। प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन, ऐसे दो तरह के डिटेंशन होते हैं। क्राइम करने के पहले जब किसी को कैद किया जाता है, किसी को डिटेन किया जाता है, तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। अगर क्राइम करने के पहले, यानी चांसेस है कि कुछ हो जाएगा अगर इनको हमने डिटेन नहीं किया, तो उनको हमने जेल में नहीं डाला, तो यहाँ पे यही होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अगर वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के कारण कैद किए गए होंगे पहले कभी, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं किए जाएंगे। ये चीज़ भी आपको याद रखते हुए चलना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको अकाउंट बताना पड़ता है कि आपने इलेक्शन में कितना खर्चा किया था। ओके, तो यहाँ पे आपने इलेक्शन में कितना खर्चा किया था, उसके लिए कोई टाइम दिया जाता है, इतने टाइम में आपको बताना पड़ता है, और इन्होंने नहीं बताया तो फिर ये डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। उसके साथ साथ फोर्थ पॉइंट ऐसा कहता है कि गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में उनको या फिर वर्क या सर्विस में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ये दिखाई नहीं देना चाहिए। यानी देखिए, हाँ आप कहेंगे कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता हूँ ताकि मेरे कंपनी को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, कोई रास्ते बन रहे तो रास्ते के कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाए इसलिए मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहा हूँ, या फिर मुझे कुछ काम मिल जाए इसलिए मैं बन रहा हूँ, या फिर गवर्नमेंट की सर्विस मिल जाए इसलिए मैं बन रहा हूँ, ये चीज़ों के लिए आपका इंटरेस्ट नहीं दिखना चाहिए। अगर दिखा तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसके साथ साथ देखिए, आप डायरेक्टर या मैनेजिंग एजेंट, यानी डायरेक्टर हो गए, मैनेजर हो गए, ये नहीं होना चाहिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के। ओके, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के यहाँ पे एक अलग है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला पिछले इसमें भी डिस्क्वालिफिकेशन था, बट यहाँ पे जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, इन अ कॉर्पोरेशन, यानी वहां पे तो गवर्नमेंट का था, हमने देखा था सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पे कोई कॉर्पोरेशन है, समझ जाइए कोई कंपनी है ए, कोई कंपनी ए नाम की है जिसमें गवर्नमेंट के मोर देन 25% शेयर है, 25% से ज्यादा गवर्नमेंट के शेयर है इस कंपनी में, और वहां के आप एमडी हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, कोई भी ऐसी पोस्ट आपने होल्ड नहीं करना चाहिए इस तरह के कंपनी में जहां गवर्नमेंट के 25% से ज्यादा शेयर है। तो अगर आप हो, समझ जाइए ए कंपनी, इसका कोई मैनेजिंग, आप कोई मैनेजिंग डायरेक्टर, आप कोई डायरेक्टर हो और उसमें गवर्नमेंट के 30% शेयर है, देन यू आर डिस्क्वालीफाइड। तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये चीज आपको याद रखते हुए चलनी है यहाँ। या फिर देखिए, सिक्स्थ डिस्क्वालिफिकेशन इस तरह का है कि आप गवर्नमेंट में एम्प्लॉय थे, इसके पहले गवर्नमेंट में एम्प्लॉय थे और आपको वहां से निकाल दिया गया, आपको डिसमिस कर दिया गया है क्योंकि आपने करप्शन किया था या फिर कुछ गलत काम किया था, इसलिए आपको गवर्नमेंट के जॉब से निकाल दिया गया, तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं बन सकते, याद रखिएगा। इसलिए अगर गवर्नमेंट ज्वाइन करोगे, गवर्नमेंट की सर्विस, तो अच्छे से काम करना, करप्शन में कभी फंसना मत। अगर फंस गए और आपको निकाल दिया गया उस जॉब से, तो आप कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं बन सकते, यानी इलेक्शन भी नहीं लड़ पाओगे आप। तो ये चीजें आपको याद रखते हुए चलना है। ओके, तो सेवेंथ पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। सेवेंथ पॉइंट इस तरह का है कि ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बार होते हुए दिखता है। देखिए, आपको ऐसी, आप ऐसे किसी भी चीज में फंसे हुए नहीं होना चाहिए, आप कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए, आप पे ऐसे कोई गुनाह के चार्जेस नहीं लगे हुए होना चाहिए। कौन से? कि आप जो अलग अलग ग्रुप्स है उनके बीच में झगड़े लगा रहे हो,
ठीक है, प्रमोटिंग एनमिटी, आप एक तो झगड़े लगा रहे हो या दोनों के बीच में एक अपोजिशन की फीलिंग ला रहे हो, तो समझ जाइए ये ग्रुप ए है और ये ग्रुप बी है, इन दोनों के विचार नहीं मिल रहे, या फिर ये दोनों अलग अलग रिलीजन से, तो इस इन दोनों के बीच में आप ये काम करा रहे हो कि इन दोनों के बीच में झगड़े लगा दो और वोट हासिल कर लूँ, तो ये काम अगर आपने किया हुआ है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, और ये अगर डिक्लेयर हुआ यानी आप कन्विक्टेड हो इसके लिए, तो फिर आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, या फिर आप कोई ब्राइबरी में फंसे हुए, ब्राइबरी का मीनिंग हम सब अच्छे से जानते हैं, ब्राइबरी यानी रिश्वत, अगर आप रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हो और आप पे चार्ज लग चुके हैं रिश्वत लेने के, तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते। उसके साथ साथ जो 8th पॉइंट है वो हमारे सोसाइटी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये डाउरी वाला मामला हमारे सोसाइटी में चलता ही रहता है। तो देखिए 8th पॉइंट क्या कहता है, ही मस्ट नॉट हैव बीन पनिश्ड फॉर प्रीचिंग और प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइम्स, ओके, सच एज अनटचेबिलिटी, डाउरी, सती, ठीक है, सती तो आजकल नहीं दिखता है ज्यादातर, सती आप जानते हो क्या है, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो जो वुमन थी वो भी खुद को जला लेती थी उनके साथ हस्बैंड के डेथ होने के बाद, तो ये सती चलता था पहले। अब अनटचेबिलिटी आप वो भी जानते हो, अनटचेबिलिटी इज एन ऑफेंस अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी इज एन ऑफेंस, आप अनटचेबिलिटी को यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये भी आपके एक डिस्क्वालिफिकेशन का कारण बन सकता है, सती बन सकता है, और मेन है डाउरी, डाउरी तो सबसे ज्यादा चल रहा है, ठीक है, तो जितने आप बड़े बड़े पोजीशन पे चले जाते हो उतना ज़्यादा डाउरी लेते हो, उतना ज़्यादा दहेज लेते हो, आप दहेज के ऑफेंस में नहीं फंसे होने चाहिए, यानी आपको इसके लिए कोई सज़ा नहीं मिली हुई होनी चाहिए, अनटचेबिलिटी के लिए, डाउरी के लिए, सती के लिए, अगर आप किसी इस चीज़ों में फंस के आपको पनिश किया गया है तो आप अपने लाइफ में कभी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते, अपॉर्चुनिटी गई आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की। तो ये 8 डिस्क्वालिफिकेशन जो आपको याद रखते हुए चलना है। अब देखिए और कुछ ग्राउंड्स देख लेते हैं जो हमने पिछले डिस्क्वालिफिकेशन देखे, उसके अलावा और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण आप डिस्क्वालिफाई हो सकते हैं फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन लिखा हुआ है, 10th शेड्यूल जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये ऐड किया गया, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये 10th शेड्यूल कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था, कौन से साल का और कौन सा अमेंडमेंट एक्ट जिससे ये 10th शेड्यूल ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 10th शेड्यूल इज रिलेटेड टू ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। अब एंटी डिफेक्शन लॉ ये क्या होता है मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन क्या होते हैं जिसके कारण आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ 4 पॉइंट्स दिए, चारों पॉइंट को मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। सबसे पहले पॉइंट देखिए, इफ ही वॉलंटरी गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑन हूज टिकट इज इलेक्टेड टू द हाउस। अब इसका मीनिंग क्या होता है सबसे पहले देखते हैं, समझ जाइए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई बन चुका है, समझ जाइए पर्सन ए ये कंटेस्ट कर रहे थे, इलेक्शन लड़े हैं पार्टी जिनका नाम था एक्स, एक्स नाम के पार्टी से उन्होंने इलेक्शन लड़े, वो चुन के आ गए और वो बन गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब उन्होंने ये जो एक्स पार्टी थी इसको छोड़ दिया, तो फिर इनकी मेंबरशिप गई। सो मुझे ऐसा लग रहा है आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो चुका है, ठीक है, ये पार्टी छोड़ दी, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जगह गई, तो ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ऐसा कह रहा है इफ ही वोट्स और एब्सटेंस फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस कॉन्ट्ररी टू एनी डायरेक्शन गिवन बाय हिज पॉलिटिकल पार्टी, यानी देखिए क्या, अब इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी भाई साहब की एक्स, और ये ए नाम के इंसान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, फ्रॉम ही गॉट इलेक्टेड फ्रॉम दिस पार्टी, ये पार्टी से वो चुनाव लड़े थे और वो चुन के आए थे। अब यहाँ पे कोई समझ जाए कोई लॉ पास हो रहा है पार्लियामेंट में और एक्स ये जो पार्टी जो कह रही है इसके खिलाफ ये वोटिंग कर रहे हैं, या फिर ये कह रही है कि वोट डालो और ये वोट नहीं कर रहे हैं, यानी इनके खिलाफ चले गए हैं, तो ऐसे वक्त इनकी जो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी इनके खिलाफ ये वोटिंग नहीं कर सकते हाउस में। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके कारण ये फिर से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो सेकेंड ग्राउंड भी आपको अभी पता चल चुका है, अब हम थर्ड ग्राउंड की तरफ बढ़ते, तो थर्ड ग्राउंड ऐसा कहता है इफ एनी इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी। अब यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है, यहाँ पे देखिए इन्होंने ये पार्टी छोड़ी क्यों थी, ताकि वो कोई और पार्टी ज्वाइन कर ले, यानी एक्स पार्टी को छोड़ के उन्होंने कोई वाई नाम की पार्टी अगर ज्वाइन कर ली होगी ये ए नाम के इंसान ने, तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ठीक है, तो ये आपको पता हो चुका है। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या कहते हैं, तीसरा पॉइंट ऐसा कहते हैं कि कोई ए नाम का व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ए नाम के व्यक्ति
वो किसी इंडिपेंडेंट, किसी भी नहीं, कोई पार्टी से खड़े नहीं हुए थे, इंडिपेंडेंटली खड़े हुए थे अकेले। उसके बाद वो चुन के आने के बाद उन्होंने पार्टी नंबर एक्स जो है, पार्टी का नाम है एक्स, इसको ज्वाइन कर लिया। इसको जैसे उन्होंने ज्वाइन किया, उनकी जो सीट है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, ये चली जाएगी, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिर से चुना होंगे, फिर वो चुन के आएंगे नहीं, ये सब बात की बात है, बट इस वक्त तो ये डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे अगर अकेले इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं और किसी पार्टी को चुन के आने के बाद ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये भी आपको थर्ड पॉइंट पता चल चुका है। अब हम और एक देखता है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स, अब कोई भी मेंबर जो है, ये जो फोर्थ पॉइंट है ये क्या कहता है देखते हैं। यानी हम अभी नाम ले लेते हैं एन, कोई एन नाम के व्यक्ति हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करके नॉमिनेट किए गए हैं, ये नॉमिनेट हो चुके हैं एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये बनने के बाद इन्होंने, ये जब चुने गए उसके 6 महीने का टाइम बीत चुका है, 6 मंथ का टाइम बीतने के बाद इन्होंने एक्स नाम की पार्टी ज्वाइन कर ली, तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फ्रॉम बींग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो नॉमिनेटेड थे, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा एक सिचुएशन, अगर 6 महीने का टाइम नहीं बीता है, समझ जाइए 5 ही महीने बीते हुए हैं, 5 months, 6 महीने बीतने के हैं, तो फिर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे, तब ये डिस्क्वालीफाई नहीं। इसलिए यहाँ पे लिखा गया एक्सपायरी ऑफ 6 months, यानी 6 महीने के भीतर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, जब ये नॉमिनेट हो जाएंगे उसके 6 महीने के भीतर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, बट अगर 6 महीने बीत गए और इन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया तो फिर इनकी मेंबरशिप चली जाएगी। तो नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं, ये जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले पार्ट में वीडियो के, लोकसभा से 2 होते हैं और राज्यसभा से 12 होते हैं। तो ये चीजें आज आप याद रखते हुए चलेंगे। उसके साथ साथ मैं बताता हूँ द क्वेश्चन ऑफ ये 4 चीजें जिसके कारण आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल इज डिसाइडेड बाय चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा, यानी डिस्क्वालीफाई होना है या नहीं होना है, इन्होंने कुछ इस तरह का काम किया, ये डिसाइड करेंगे चेयरमैन राज्यसभा के, या फिर अगर लोकसभा के कोई मेंबर है तो डिसाइड करेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा, ओके। और ये प्रेसिडेंट ये काम नहीं करते हैं, ये काम ये लोग करते हैं, चेयरमैन और स्पीकर। अब 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि चेयरमैन और स्पीकर जो भी ये डिसीजन लेते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके, यानी ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन को लेके, उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू लिया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट उस पर जुडिशियल रिव्यू ले सकता है, ओके। तो ये चीज़ें याद रखना है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है ये सुप्रीम कोर्ट के पार्ट में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो अब देखिए हम यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन जो है इसे भी कंप्लीट कर चुके हैं, ये जो टॉपिक था डिस्क्वालिफिकेशन। अब हम आते हैं वैकेटिंग ऑफ सीट्स पे। तो वैकेटिंग ऑफ सीट्स जो है ये काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे वैकेट कब होती है सीट, तो एक तो डबल मेंबरशिप, रेजिग्नेशन या अपसेंस, ये 3 जो चीज़ें हैं इसमें आप डिस्क्वालीफाई हो, आपकी सीट जो है ये वैकेट हो जाएगी, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सीट होती है ये खाली हो जाएगी, सीट जो है ये खाली हो जाएगी। तो कब कब खाली होती है सीट ये हमें देखना है। सो सबसे पहले हम देखते हैं डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप में आपको याद रखना है कि एक मेंबर, एक जो मेंबर है वो 2 हाउसेस का मेंबर नहीं हो सकता एक साथ, 2 हाउसेस ऑफ जो पार्लियामेंट है, राज्यसभा और लोकसभा, इनका मेंबर नहीं हो सकता है सेम टाइम पे। अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो हमने पास किया था उसमें हमने कुछ चीज़ें डाली हुई हैं इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ओके, अब समझ जाइए कि वो राज्यसभा के मेंबर थे और लोकसभा के भी मेंबर बन गए, राज्यसभा के पहले से थे, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा और लोकसभा से भी चुन के आ गए, अब वो मेंबर हो गए दोनों हाउस के, ऐसे वक्त क्या होगा, तो उनको 10 दिन के अंदर बताना पड़ेगा कि उनको राज्यसभा में रहना है या लोकसभा में रहना है। अदरवाइज अगर 10 दिन में वो नहीं बताते हैं तो उनकी जो राज्यसभा की सीट थी ये वैकेंट हो जाएगी, ये खाली हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। तो ये है फर्स्ट पॉइंट इस तरह का। उसके बाद देखते हैं सेकेंड पॉइंट जो है उसमें ऐसा कहा गया, इफ अ सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस, यानी देखिए सेशन चल रहा है जो भी है वो सिटिंग मेंबर है अब किसी हाउस के, समझ जाए राज्यसभा या लोकसभा, इन दोनों में से किसी भी हाउस का कोई सिटिंग मेंबर है वो इलेक्टेड, अब समझ जाए राज्यसभा का कोई सिटिंग मेंबर है वो इलेक्ट हो गए फॉर लोकसभा, ओके। तो अगर वो हो गए तो उनकी फर्स्ट जो सीट रहेगी ये
वो अपने आप खाली हो जाएगी, उनको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सिटिंग थे वो। इसके लिए अगर चुनाव लड़े हैं इसका मतलब उनको यहाँ जरूर जाना था, यही समझते हुए, यही ध्यान में रखते हुए उनकी जो फर्स्ट हाउस की सीट थी ये खाली कर दी जाती है। तो ये चीज़ याद रखनी है सिटिंग मेंबर के लिए। सिटिंग यानी जब सेशन चलता है या वो जो सिटिंग्स होती है उसमें के। उसके बाद देखते हैं इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू टू सीट्स इन द हाउस, यानी समझ जाए लोकसभा में दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर एक इंसान खड़े हुए थे, ए और बी ऐसे दो शहर से, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री हुए थे वाराणसी और वडोदरा से, वैसे ही यहाँ ए और बी से कोई मेंबर यहाँ पे अगर चुनाव लड़ते और दोनों जगह से चुन के आते हैं, दोनों जगह से चुन के अगर वो आ गए तो उनको बताना होता है कि उनको कहाँ जाना है और एक जगह जल्द से जल्द खाली करनी पड़ती है। ओके तो ये है, अगर उनको जाना है ए पे तो ए रहने देंगे, बी कैंसिल हो जाएगी, उनको बताना होता है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद एक और चीज़ आपको बता दूं कि एक इसमें एक और चीज़ ऐसी दी गई है डबल मेंबरशिप में, एक पर्सन है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, एमपी भी है, एमएलए भी है, तो उनको 14 दिन के भीतर ये जो सीट होती है ये छोड़नी पड़े, जो भी सीट उनको छोड़ना है ये छोड़ना पड़ेगा 14 डेज के। अदरवाइज अगर वो 14 दिन के अंदर अपना निर्णय नहीं लेते, अपना डिसीजन नहीं लेते विद इन 14 डेज, तो उनकी ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट थी ये वैकेंट हो जाएगी, ये खाली हो जाएगी और वो एमएलए ही रह जाएंगे। तो उनको जल्द से जल्द बताना पड़ेगा उनको कहाँ जाना है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, ये है डबल मेंबरशिप। उसके बाद हम आते हैं रेजिग्नेशन। जो भी रेजिग्नेशन देना चाहता है, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर रिजाइन करना चाहता है तो वो अपना रेजिग्नेशन चेयरमैन के पास देगा, अगर राज्यसभा की बात है, अगर लोकसभा की बात है तो स्पीकर के पास देंगे। और इनका रेजिग्नेशन अगर एक्सेप्ट कर लिया चेयरमैन ने या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा ने या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा में, तो ये रिजाइन कर दिया, ये हो जाता है डिसीजन। उसके साथ साथ अगर एक्सेप्ट नहीं किया इनका रेजिग्नेशन, ठीक है, अगर उनको लग रहा है कि नहीं ठीक नहीं है ये रेजिग्नेशन, तो वो रिजाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इनके ऊपर होता है एक्सेप्ट करना या नहीं करना, ये चेयरमैन है स्पीकर के पास, इतना आपको याद रखना है रेजिग्नेशन में। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो वैकेंट कब होता है। देखिए रेजिग्नेशन से भी वैकेंट होगा। सो थर्ड जो चीज है जिसके कारण उनकी सीट खाली हो सकती है, वैकेंट हो सकती है, वो क्या है देखते हैं। तो वो है अब्सेंस। सो अब्सेंस में ऐसा है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर 60 डेज के लिए अब्सेंट है, यानी वो 60 डेज से कोई भी मीटिंग्स जो है ये अटेंड नहीं कर रहे हैं और परमिशन भी नहीं ली है और डायरेक्टली अब्सेंट है, तो ये इनकी सीट वैकेंट हो सकती है। एक चीज़ याद रखना, अगर ये पीरियड ऑफ जो 60 डेज है ये जब गिना जाता है तब ये चीज़ें कंसिडर की जाती है कि हाउस सेशन में होना चाहिए, यानी वो अगर हाउस प्रोरोग्ड है या फिर एडजन हो चुका है, यानी प्रोरोग यानी पूरी तरह से रुक चुका है सेशन, या फिर एडजन यानी कुछ टाइम के लिए रुका हुआ है, और ये दोनों चीज़ें 4 दिन चल रही है, 4 दिन से ज़्यादा कंटिन्यूसली, तो फिर बाद के टाइम जो है ये इसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे इनके 60 डेज में, बाकी वक्त किए जाएंगे। तो आपको याद रखना जब सेशन में है, मीटिंग्स चल रही है, तो ये 60 डेज तक अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं और अब्सेंट है अपने सीट पे, अपने मीटिंग्स में, और उन्होंने परमिशन भी नहीं ली है, तो उनकी जो सीट है ये वैकेंट हो जाएगी, ये खाली कर दी जाएगी। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो ये तीसरा रीज़न था जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें कवर की, डबल मेंबरशिप, रेजिग्नेशन अगर रिजाइन कर दिया है, इस्तीफा दिया हुआ है, और तीसरा अब्सेंट है 60 डेज से ज़्यादा, तो ये लोगों की सीट वैकेंट हो जाती है। इसके बाद जो आखिरी टॉपिक है आज के वीडियो का, वो हम देखते हैं, आखिरी है ओथ एंड अफर्मेशन, सैलरी एंड अलाउंसेस। ये दो टॉपिक अभी हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ओथ एंड अफर्मेशन, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो ओथ एंड अफर्मेशन लेते हैं और इनको ये जो शपथ देने का काम किया जाता है ये प्रेसिडेंट करते हैं। अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो जो भी पर्सन को अपॉइंट किया हुआ है प्रेसिडेंट ने कि मेरे तरफ से आप इनको शपथ दे दिए जाए, तो वो उनको शपथ देंगे। तो प्रेसिडेंट इनको एक शपथ देते हैं जिसको ओथ एंड अफर्मेशन कहते हैं, इन्हें शपथ लेना पड़ता है। उसके साथ साथ सैलरीज एंड अलाउंसेस, जो भी इनकी सैलरी एंड अलाउंसेस है, जो भी इनको सैलरीज मिल रही है, अलाउंसेस मिल रहे हैं, वो कौन बताता है, तो ये पार्लियामेंट जिस तरह से बोलेगा उस तरह से इनका होगा। उसके साथ साथ पेंशन की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये दिया नहीं था कि इन लोगों को पेंशन मिलेगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को,
बट पार्लियामेंट ने ये चीज कर दी कि पेंशन इनके लिए शुरू कर दी, तो अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए तो आपको पेंशन भी मिलेगी, क्योंकि पार्लियामेंट ने ये चीज की हुई, ये लाया हुआ है, तो पार्लियामेंट के पास पावर है डिटरमाइन करने का और पार्लियामेंट डिटरमाइन कर चुका है। तो देखिए, ओथ एंड अफर्मेशन, ओथ देते हैं प्रेसिडेंट, सैलरीज एंड अलाउंसेस डिसाइड करता है, डिटरमाइन करते हैं पार्लियामेंट। तो इतनी चीजें आपको आज स्टडी करनी थी, ये इंपॉर्टेंट चीजें, और हम ये पूरे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट में। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं और नए नए वीडियोस और सब्जेक्ट्स पे वीडियोस डाल सकूं नए नए। उसके साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिए। आप मेरे पेजेस को लाइक कीजिए, विजिट कीजिए, आपको और इन्फॉर्मेशन अगर चाहते हैं एग्जाम से रिलेटेड, और ज़्यादा अपडेट रहना चाहते हैं तो ये मेरे पेजेस है। उसके साथ साथ आप मेरे मुझसे इंस्टाग्राम में भी कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। आप मुझे मेल करना है तो आप shreyasbadiye@gmail.com पे मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।